हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अगर आपकी सैलरी 2000 या 2500 की रेंज तक है तो कोई भी बंदा आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्या आप 2500 की रेंज तक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कोई बैंक आपको 2500 की रेंज या 3000 की रेंज तक क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है या नहीं करता, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। काफ़ी सारे दोस्तों के मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज रीड करता हूँ जिसमें कहते हैं कि हमारी सैलरी जो है वो 3000 है या 2500 है, हमें फलां बंदे ने क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है तो हमें वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप लोग यूए में किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन के लिए जाते हैं तो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड काफी सारे बैंक ऐसे हैं जो कि आपको लेस सैलरी अकाउंट भी ऑफर करते हैं, आप लोग उनमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि एडीसीबी बैंक, एनबीडी बैंक या दूसरे डिजिटल बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर आपको लेस सैलरी के हिसाब से भी आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस पर मेरे अलग अलग वीडियो अवेलेबल है कि आप लोग कैसे ऑन अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी कम है। अब क्रेडिट कार्ड के लिए मोस्टली जो बैंक है जैसे कि एनबीडी, एडीसीबी, जो टॉप के बैंक है या मशरक बैंक है, इनमें अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर भी जो इनकी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 5000 है। इससे कम आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो दीगर बैंक हैं उनमें अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं अगर आपकी सैलरी 5000 से कम है, सपोज कि अगर आप लोग एक बैंक में गए हैं, आपने एक ब्रांच विजिट किया है, वहां पर अगर कोई बंदा आपको बैंक की तरफ से बोले कि हम आपको 2500 की रेंज तक जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, आप ये डॉक्यूमेंट हमें दें, तो आपको जरूर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए क्योंकि आप लोग बैंक में बैठे होंगे, बैंक की तरफ से कोई भी बंदा आपके साथ स्कैम या फ्रॉड नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम चांस होते हैं कि आपको 25 या 3000 की रेंज तक जो क्रेडिट कार्ड मिले। मोस्टली जो बैंक हैं, आप लोग अगर आप लोग डिजिटल बैंकिंग में अपना अकाउंट ओपन करते हैं या अगर आप लोग दूसरे बैंकिंग में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आप लोग तमाम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, वहां पर जो इनकी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 5000 है। इससे कम आपको बैंक यूए में कोई भी बैंक जो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करता। अब इसके अलावा अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है या व्हाट्सएप पर मैसेज आता है या फेसबुक से कोई आपको अप्रोच करता है और आपको ये क्लेम करता है कि हम बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, हम आपको 2000 या 2500 की रेंज तक क्रेडिट कार्ड आपको लेकर देंगे, तो हमें आप ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करें, आपको कभी भी इनको ये डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट नहीं करना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान पहुंचना है। आपकी इस इन्फॉर्मेशन को ये किसी इलीगल एक्टिविटी में यूज़ करेंगे और बाद में आपकी एमरस आई डी पर फाइन पड़ा होगा। मोस्टली लोग जो है यूए के अंदर जब अपने एमरस आई डी पर फाइन चेक करते हैं, उन्होंने कुछ भी लोन वगैरह या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया होता लेकिन फिर भी उनकी एमरस आई डी पर फाइन वगैरह पड़ा होता है, तो इसकी रीज़न यही होती है कि आपने कहीं ना कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है स्कैमर्स को या हैकर्स को दी होती है जिसकी वजह से आपकी एमरस आईडी पर फाइन होता है, बाद में आपको फाइन जो है खुद ही जो है वो पे करना होता है। अगर नहीं करेंगे फिर आप पर कोई केस वगैरह जो यूए की गवर्नमेंट की तरह जो बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आपको 2500 या 3000 की रेंज तक अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आती है और आपको ये कहते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करें, हम आपको क्रेडिट कार्ड लेकर देंगे, तो आपको कभी भी इनको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करना चाहिए। मैं इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों को भी कहता हूँ कि 25 या 3000 के रहें तक कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, लेकिन फिर भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमारी सैलरी कम और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला क्योंकि अगर आपकी सैलरी 5000 से कम है। अब 4000 या 4500 की रेंज तक अगर आपकी सैलरी और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस पर मेरी एक वीडियो अवेलेबल है कि आप लोग कैसे उस तरीके से एक जेन्युइन तरीके से बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 4000 से भी कम है तो फिर आप जो है बैंक में जैसा कि एडीसीबी, एनबीडी, मशरक या दुबई इस्लामिक बैंक में आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इन स्कैमर से, हैकर से बचना चाहिए क्योंकि और कभी भी इनको अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट नहीं करनी चाहिए। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।